तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और काफी लोग मेरे को ये कह रहे थे कि हॉन्टेड लोकेशन की आप दिन की वीडियो जरूर बनाया करो सर, क्योंकि हमें हॉन्टेड लोकेशन का अंदाजा नहीं मिलता, पता नहीं चलता वो लोकेशन कैसी है, कहाँ है, दिखने में कैसी है, क्योंकि रात को आपको पता ही हम थोड़ा बहुत जितना दिखा पाते हैं, जितना पॉसिबल होता है हमारे लिए, तो वही आपके सामने वीडियो आती है। और अभी मैं हॉन्टेड फ्लैट फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बिल्डिंग आपको टूटी फूटी नजर आ रही है, लेकिन इसकी जो कहानियां, इसकी जो बातें और जो मुझे यहाँ पे कल रात को मिला है, वो आपको ना इस वीडियो के अगले दिन ही वीडियो में देखने को मिलेगा और प्रीमियर वीडियो हो जाएगी। और उस वीडियो को इंजॉय करना, देखना, और कुछ ऐसे सवाल जो कि मैंने आज तक अपने चैनल पे किसी स्पिरिट से, किसी आत्मा से नहीं पूछे, तो वो भी आपको जानने को मिलेंगे और उसके जवाब भी जानने को मिलेंगे। और ये लोकेशन पे आपने मेरे को बार बार बोला, तो मैंने सोचा कि दिन की वीडियो जो लोग चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना दूं। तो ये देख लीजिए, हॉन्टेड फ्लैट, हॉन्टेड अपार्टमेंट, दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल अबेंडेंट है, यहाँ पे आसपास कोई नहीं भटकता, लेकिन दिन में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं, जैसे कि भाई साहब निकल रहे हैं हमारे सामने। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और फ्लैट को दिखाते हैं कैसा दिखता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दिन में कोई भी हॉन्टेड जगह होगी ना, कैसी भी हॉन्टेड जगह होगी, चाहे कुछ भी होगा वहां पे, इवन भानगढ़ क्यों ना होगा, वो खूबसूरत लगेगा। अब मेरा मन कर रहा है देखने का कि मैं यहाँ पे फोटोज खींचूं। और ये देखिए, जो ऊपर इंसान है ना, ये बोल नहीं पाता, ये दिन में यहीं रहता है, दिन भर यहीं रहता है, लेकिन रात को ये खाली करके चले जाता है। और ये बार बार हमें कह रहा है, देखो जाने के लिए कह रहा है, उसे पता है, अब आप समझ रहे हैं, वो बोल नहीं सकता लेकिन उससे बात कर रही हूँ, हम कोशिश करेंगे। आ जाइए, एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मेरे को थोड़ी सी ठंड लग रही है, मतलब एक काफी ज्यादा यहाँ का आप कह सकते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट है इस जगह का। और पीछे जो गाने बज रहे हैं वो किसी मंदिर में भजन हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, पीछे जो गाने बज रहे हैं मंदिर में भजन हो रहा है, उसे रोक नहीं सकते। कल रात को मैं इस जगह से निकलने वाला था, लेकिन जब कमेंट आपके लास्ट वाली वीडियो पे वीडियो शूट करने के बाद पड़े, तो ये था कि इसकी दिन की वीडियो ज़रूर बनाएं सर, हमें दिखाएं। और लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। और ठंड होने का कारण ये है कि जो सबसे पहले जो यहाँ की कहानी शुरू होती है वो इसी कमरे से होती है। ये देखिए, यहीं पे उस लेडी ने फांसी लगाई थी, यहीं पे वो स्पिरिट से मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। और थोड़ा सा पहले लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी है, बट कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये फोड़ दी गई इस जगह को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां पे घूमती है आत्मा रात के समय पे। और ये जो मैंने लोकेशन आपको दिन में दिखाई है ना, इसकी बैक साइड से दिखाई है, फ्रंट साइड इसका ये रहा, मैंने कार भी यहां पे अपनी पार्क कर रखी है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे बाकी सारी भी सोसाइटी है, मेरे लेफ्ट में बच्चे भी खेल रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड है वो बना रखा है उन्होंने। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये मेरे लेफ्ट में, मैं जैसे कि कह रहा हूं कि दिन में यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, देखिए। अब काफी लोगों के मन में ये चल रहा है यार, यहाँ पे तो बच्चे खेल रहे हैं, तो ये जगह हॉन्टेड कैसे होगी, दिन में खेल रहे हैं। लेकिन भानगढ़ में भी सब दिन में पिकनिक मनाने आते हैं, चटाई डाल के खाना खाते होते हैं, वहां पे उस जगह को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो रात में हॉन्टेड होती है ना। ऐसे ये बिल्डिंग इतनी हॉन्टेड है कि यहाँ की जो वाइब्स हैं, जो यहाँ पे लोग महसूस करते हैं, वो ये है कि एक औरत की जिसने फांसी लगाई थी, अब उसकी कहानी आप सबको पता ही है, थोड़ा सा शॉर्ट में हल्का सा बता देता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, तो
उस लेडी ने फांसी लगा ली और वो मर गई। लेकिन ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कॉमन लोग नहीं रहते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी रहते थे। और ये वो दूसरा फ्लोर है, पहला नीचे ग्राउंड फ्लोर था, फिर ये अपर ग्राउंड फ्लोर है। और ये देखिए काफी सालों से ये जगह बंद है, इसको तोड़ ही इसलिए दिया कि यहाँ पे कोई बस ना पाए, कोई रह ना पाए। और इस तरफ आ जाते हैं, ये भी सेम बिल्डिंग की हालत देख के ये पता चलता है कि यहाँ पे ना कोई मरम्मत नहीं होनी थी, इसको तोड़ ही देना था इसलिए, क्योंकि अब यहाँ पे कोई रहे ना और कोई एप्लीकेशन फाइल ना करे यहाँ पे रहने के लिए, तो इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। चलते हैं ऊपर की तरफ और इसका 360 व्यू भी लेंगे, पैरानोरमिक व्यू भी लेंगे। ये अब हम आ गए थर्ड फ्लोर पे, ये भी सेम है, सब कुछ सेम बना हुआ है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है, वो सब कुछ सेम है। एक हॉल है, रूम्स हैं, किचन है, बाथरूम है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ के लोग यहाँ पे आने से बहुत डरते हैं, दिन में तो घूम जाते हैं, और दिन में कोई पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं घूमता। जो लोग नशे करते हैं, जो लोग वीड पीते हैं, वो लोग यहाँ पे घूमते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे दिन में भी आने से, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस लेडी की आत्मा का साया उनके ऊपर आ जाता है, और काफी लोग बीमार भी हुए हैं। अब इसके छत पे चलते हैं, आपको एक चीज और बता देता हूं कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ये दिन की वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा फील तभी होता है, आप कह सकते हैं कि मेरे को मजा तभी आता है जब मैं रात को किसी लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंचता हूं। और मेरे वीडियो की लोकेशन की एक खास बात ये है कि मैं पहले दिन में कभी उस लोकेशन पे विजिट नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां पे पहुंचूं तो मैं उसे उसी टाइम ही फील करूं, उसकी वाइब फील करूं। और ऊपर की तरफ आ जाते हैं, देखो डर लगता है। ये देखो सर एक लेडी, ये देखो जिस तरीके से बता रहे, मैं बताता हूँ, इशारे कर रहे हैं कि एक लेडी, मतलब मुझे नहीं पता कैसे मैं उसको बताऊं, एक औरत ने फांसी लगा ली थी। यहाँ पे आत्मा भटकती है, नीचे की तरफ, वहां कोने में। अच्छा ये देखिए इशारा कर रहे हैं उसी तरफ, यहाँ पे वो कमरा है लेके जा रहे हैं, यहाँ पे वो जगह है, यहाँ पे कुछ देखा, हाँ ये देखो। अच्छा नीचे, अच्छा कोई कूद के भी, अच्छा कूद के भी मरा है। ठीक है। अब ये एक्टिंग नहीं है भाई, ये एक्टिंग नहीं है, लग रहा हूं। किसी को लग रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये। किसी को ये लग रहा हो ये एक्टिंग है, तो ये एक इंसान है जो बोल नहीं सकता और यहाँ पे दिन में भटकता है और यहाँ पे दिन में घूमता है। अब इसके लेफ्ट में देख लीजिए, ये पूरा खाली है, खेत है, कोई भी यहाँ पे घर नहीं है। और ये देखो, ये इशारा वहीं कर रहा है, ये देखो भाई का इशारा, नीचे। हाँ वही रूम है, वो बोला वही रूम है उधर। मार लिया, ऊपर चले गए, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
और ये शायद आप भी समझ पा रहे होंगे, ये लैंग्वेज आप भी समझ लोगे। ये देखो ठीक है ये कह रहे हैं कि मार लिया था, चले गए जो भी है, और बाकी यहाँ के लोकल लोगों से मैंने कहानी सुनवा दी जो मेरे साथ यहाँ पे रात को आए थे। और इस तरफ भी लोकेशन दिखा देता हूँ, वहाँ पे ज्यादा गाने के बाद ठीक है चलें। बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है वहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा वहाँ घर है इनका, ठीक है। तो आपके सामने ये लोकेशन आपने देख ली उनकी, भले वो बेजुबान है लेकिन उन्होंने एक अपनी जुबान से कहानी पूरी एक्सप्लेन कर दी इशारों से। और ये है वो लोकेशन, ये है वो बिल्डिंग, ये है वो जगह जहाँ पे भटकती है आत्मा। अब इसकी रात की वीडियो ना आपको कल देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल के अपने नेट को ऑन करके, अपनी नोटिफिकेशन को ऑन करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको यहाँ की कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो मुझे इससे पहले दो बार इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता चली। सो बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि मैंने बोला ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, पुलिस वाले रहते थे, सीओ रहते थे ना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से ना थोड़ी दूर यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ पे पुलिस थाने हैं, आईएएस ऑफिस है, आईबीएस ऑफिस है, तो वहाँ के जो लोग अधिकारी लोग थे वो यहाँ रहते थे। तो ये वो इशारा कर रहे हैं कि वो उस तरफ रहते थे। और हाँ वही लेके जा रहे हैं, वही लेके जा रहे हैं। अच्छा हाँ यहाँ पे इधर यहाँ पर है उधर। अच्छा इधर तोड़ दिया था ये तोड़ दिया था, ये देखो मैंने बताया था। और यहाँ पे अच्छा यहाँ मरे थे। अब देख लो यार हम कितनी रियल वीडियो बनाते हैं भाई, ये कोई जो बोलता है कि देखो यार जो बोलता नहीं है मैं उसको क्या ही समझाता, वो इशारों से बोल रहा है और बता रहा है। तो बस हाँ रात को आती है, रात को ये कुछ इशारा कर, रात को आत्मा आती है ना यहाँ पे। कुछ नहीं छेड़ोगे तो वो काटेंगे, कुछ छेड़ो मत उनको, पूरे में रहती है, डरते हैं सारे आने से। अच्छा कूद के आए थे, तोड़ा था, ठीक है मैंने बताया था। भाई जो लोग बोलते हैं ना फेक वीडियो बनाते हैं उनको ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना यार, हमारे जितने व्यूअर्स है ना, प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करना यार, ये देखो ठीक है। तो मैं बस इस वीडियो को एंड करता हूँ, ये वीडियो थी यहाँ पे, ये कहानी थी यहाँ पे, समझ गया। वो यही कर रहे हैं कि वो अधिकारी लोग थे, सरकारी लोग थे, वो करते थे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और प्लीज अब इससे ज्यादा सच आपको क्या दिखाऊं, इससे ज्यादा कंफर्ट जोन छोड़ के आपको क्या दिखाऊं, इससे ज्यादा
सच्चाई आपको क्या दिखाऊं, बस यही है। ठीक है, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन यार मैं दिन में वीडियो बनाने की कोशिश किया करूंगा, जैसे कि आप लोग चाहते हैं तो कोशिश करूंगा कि हर हॉन्टेड वीडियो से पहले आपको दिन की वीडियो जरूर देखने को मिले, अगर मैं वहां पे टाइम से पहले पहुंच गया। वैसे मैं हमेशा रात को ही पहुंचता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी पहुंच के दिन की वीडियो बना लूं या नेक्स्ट डे बनाऊं, क्योंकि रात को मुझे फील करना है जो मैं जो खुद को, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे आके जो मेरे को वाइब्स मिलती है, जो मैं महसूस करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, वो मैं दिन में आके ना वो मजा खराब नहीं करना चाहता, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो बस चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, और प्लीज इस चैनल, इस वीडियो, इसको सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, एंड दिन की वीडियो उन चैनल्स पे जाके डालना जो बोलते हैं ना कि ये भाई कोई भी लोकेशन है, ये कुछ भी है, यहाँ से एक बार घर भी डाल के दिखा देते हैं, है ना, और मैप पे लोकेशन दिखा दो, ये दिखाए और ये, हाँ, ये दिखा देते हैं, एक सेकेंड, ये लो भाई, ये लो, आ रहा है, सर्च यार दिल्ली डाल दो, ये रहा, ये रहा, मैं ये रहा, ये रहा, हाँ ये ऐसे दिखा दिया करो, ये देखो फरखाबाद, ये रहा जो मैं फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, और ये जूम कर दो, जूम, हाँ ये रहा मैं, ऐसे लोकेशन दिखा भी दिया करो, सब दिखा दिया करो, ये रहा मैं, आप सब दिखा दिया करो, और यहाँ से जनकपुर डाल देते हैं जहाँ अपना घर है, ये लो 6 hours 56 minutes 431 kilometers दूर में इस लोकेशन पे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, ठीक है चलो चलें, चलो आओ चाय पिलाएं आपको, आओ चाय पीते हैं, चलो आओ चाय पिए, आओ मैं जा ही रहा था तो ये अभी कहने लगे कि ये कहाँ है, घर कहाँ है, घर कहाँ है, यहीं पे ही है, ये देखो कौन सा घर है, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये रहा, अच्छा इधर घर है, ठीक है, और ये वो लोकेशन है, ठीक है ठीक है, चलो चाय पिए हम चल के यार, बंद करते हैं वीडियो को।